भारतीय नौसेना समंदर में अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। एक बार फिर नेवी के कमांडो ने समंदर में बड़ा ऑपरेशन किया और सोमालिया के समुद्री लुटेरों को घुटने पर ला दिया। कहा जा रहा है कि 35 डकैतों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नेवी ने इस ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर में हिंद के जाबाजों का पराक्रम। सोमालिया के डकैतों का सरेंडर। भारतीय नौसेना को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नेवी के शूरवीरों के आगे सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने घुटने टेक दिए। लुटेरों ने नेवी के धुरंधरों से मुकाबला करने की भरसक कोशिश की, लेकिन नेवी ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। नौसेना के मार्कोस कमांडो ने समंदर में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे 35 सोमालियाई डकैतों को सरेंडर करना पड़ा। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को भी सुरक्षित बचाया। इस तरह नेवी ने 3 महीने पहले हाईजेक हुए जहाज को सोमालिया के खूंखार लुटेरों से बचा लिया। नेवी ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक समुद्री लुटेरा नेवी के हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता दिख रहा है। नेवी के कमांडो ने डकैतों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद नेवी ने समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया। भारतीय तट से तकरीबन 1400 समुद्री मील दूर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके लिए इंडियन नेवी ने P-8I समुद्री गश्ती विमान वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। C-17 विमान से मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। नेवी को सूचना मिली थी कि सोमालिया के समुद्री लुटेरे समंदर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए वो हाईजैक किए गए जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में इस जहाज को हाईजैक किया गया था। ये जहाज माल्टा का था और इसका नाम MV रुएन है। सोमालिया के लुटेरे MV रुएन का इस्तेमाल लूट की गतिविधियों के लिए कर रहे थे। नेवी के मुताबिक 15 मार्च को जब हेलीकॉप्टर इस जहाज के करीब पहुंचा तो समुद्री लुटेरों में हड़कंप मच गया। लुटेरों से सरेंडर और बंधक बनाए गए क्रू मेंबर्स को छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद नेवी के मार्कोस कमांडो भी हरकत में आए और सफलतापूर्वक मिशन को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि 35 लुटेरों ने सरेंडर कर दिया। इससे पहले भारतीय नौसेना ने 14 मार्च को हिंद महासागर में बांग्लादेशी जहाज MV अब्दुल्ला को सोमालिया के समुद्री लुटेरों से बचाया था। सोमालिया के डकैत समंदर में काफी सालों से आतंक मचाते हुए आए हैं। सोमालिया वो मुल्क है जिसके समंदर में बड़ी तादाद में मछलियां हैं। साल 1990 तक मछली का कारोबार ही यहां के लोगों के जीवन यापन का साधन था। तब समुद्री लुटेरों का कोई भय नहीं था, लेकिन सोमालिया के हालात बदल गए। देश में सिविल वॉर छिड़ गई। इसका फायदा विदेशी कंपनियों ने उठाया, लोगों का रोजगार छीनने लगा और साल 1990 के बाद से ही सोमालिया के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला बदस्तूर चलता आ रहा है, लेकिन ये समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना से बेहद खौफ खाते हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना हमेशा इन डकैतों पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।